नमस्ते दोस्तों, कर्नाटक में एक जगह है दावणगेरे, और दावणगेरे का बेन्ने डोसा बहुत ही फेमस है। आज हम आए हुए हैं श्री कोटुरेश्वरा बटर डोसा होटल दावणगेरे में, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये कर्नाटक की यम्मी डिश बेन्ने डोसा यानी बटर डोसा। कन्नड़ा में मक्खन यानी बटर को कहते हैं बेन्ने। ये जो डोसा है दोस्तों, देखिए आप, ये हॉट प्लेट है और इसके नीचे लकड़ी जलाई गई है, तो लकड़ी की धीमी आंच पर ये प्लेट गर्म होती है और इस पे ये स्पेशल बैटर डाला जाता है। उस बैटर के ऊपर जेनरस अमाउंट में बेन्ने यानी बटर डाला जाता है और साथ में एक आलू की सब्जी होती है और कोकोनट की चटनी होती है जो इस बटर डोसा के साथ परोसी जाती है। ये जो डोसे का बैटर है दोस्तों, ये स्पेशली बनाया जाता है। इसके अंदर चावल होते हैं, दाल होता है और मुरमुरे होते हैं। और ये जो बेन्ने डोसा है दोस्तों, ये कर्नाटक के दावणगेरे से ही फेमस हुआ, और जहाँ भी आप कर्नाटक में देखेंगे बटर डोसा तो वो दावणगेरे बेन्ने डोसा ही कहलाता है। इसका इतिहास बड़ा अनोखा है दोस्तों। दावणगेरे में 1928 में एक लेडी चेन्नम्मा, जिनका नाम था, वो माइग्रेट हुए और अपने बच्चों के साथ उन्होंने डोसा बनाना शुरू किया, और डोसे के साथ साथ वो चटनी देते थे और आलू की सब्जी देते थे, और उनकी अपनी ये रेसिपी थी। उन्होंने एक छोटा सा होटल खोला, यहाँ पर एक जगह है सावलगी ड्रामा थिएटर, जहाँ वसंत टॉकीज है, उसके सामने इन्होंने अपनी शॉप खोली और बड़ी फेमस हो गई क्योंकि टेस्टी थी। पहले पहले क्या होता था, इन्होंने डोसा बनाया रागी से। उसके बाद 1938 में उनके बच्चों ने भी डोसा बनाना शुरू किया और उसका बैटर इन्होंने रागी से चेंज किया, चावल, मुरमुरे और दाल डाल के, और साथ में उसमें बहुत सारा बटर डालने लगे। अब जब मक्खन लोगों ने खाया तो बड़ा ही टेस्टी लगा ये डोसा। और उसके बाद चेन्नम्मा जी के जो दो बेटे थे, शांतप्पा जी और महादेवप्पा जी, इन दोनों ने अपने अपने छोटे छोटे होटल खोल लिए। शांतप्पा जी ने अपना होटल खोला 1944 में, जिसे शांतप्पा डोसा होटल के नाम से जाना गया। ये सबसे पुराना होटल है दावणगेरे में, और दावणगेरे का जो घंटा घर है वहाँ पर है ये। अभी शांतप्पा जी के बेटे गणेश चलाते हैं होटल। महादेवप्पा जो थे, उन्होंने वसंत थिएटर के पास अपना होटल खोला, आजकल वो नहीं है। उनके जो बड़े बेटे हैं रवि, उन्होंने चर्च रोड पर रवि बेन्ने डोसा होटल के नाम से होटल खोल रखा है। उनका जो छोटा बेटा है वो है विजी, उसका भी एक अपना होटल है विजी बेन्ने डोसा, डेंटल कॉलेज के पास है ये। तो दोस्तों, ये जो होटल मैंने बताया, इसके अलावा जो यहाँ फेमस बेन्ने डोसा बनाते हैं, उनमें से ये सामने आप देख रहे हैं गुरु कोटुरेश्वरा बेन्ने डोसा होटल। और सिंस इस डोसे का कोई पेटेंट नहीं है, तो कोई भी ये डोसा बना सकता है। अब देखिए कितनी बढ़िया धीमी आंच पर ये डोसा बनता है, और बहुत ज़्यादा बटर इसमें लगाया जाता है, साथ में आलू की सब्ज़ी देते हैं। अगर किसी ने मसाला डोसा खाना है तो उस आलू की सब्ज़ी को थोड़ा हल्दी वल्दी प्याज लगा देते हैं, नहीं तो प्लेन आलू की सब्ज़ी और साथ में बटर और कोकोनट चटनी के साथ केले के पत्ते पर ये डोसा परोसा जाता है। तो जब भी आप कर्नाटका आएँ तो आप ज़रूर ये बेन्ने डोसा ट्राई करें, बड़ा मज़ा आएगा। और ये वीडियो मेरे दोस्त मोजस हैं, उन्होंने बनाकर भेजी है मुझे, और मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट